डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तक स्पर्श भाग दो पाठ आठ कारतूस पढ़ेंगे, जिसके कवि हबीब तनवीर जी हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जाबाज के कारनामों का वर्णन है। जाबाज होता है बेटा जान की बाजी लगा लेने वाला, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत देश से बाहर करना। अंग्रेजों के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर लेफ्टिनेंट और कर्नल के डेरे में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने के लिए पीछे नहीं हटता था। एक बार वह कंपनी की बटालियन के खेमी होता है बेटे डेरा, अस्थाई डेरा में नहीं जा पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब जमाया कि उनके मुख से ये शब्द निकले जो किसी अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सके। ये कौन से शब्द थे कि जाबाज सिपाही के, अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा। सन 1799 गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में रात्रि के समय कर्नल कालीस और एक लेफ्टिनेंट डेरा जमाए हुए थे। वजीर अली को पकड़ने के लिए बेटा वो डेरा लगाया हुआ था। लेफ्टिनेंट बताता है कि यहाँ जंगलों में डेरा लगाए हुए हफ्तों बीत गए हैं, सिपाही भी तंग आ चुके हैं क्योंकि वे वजीर अली जो था वो अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आ रहा था। कर्नल बताता है कि वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाते हैं। रॉबिन हुड कौन था बेटा? जो अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करता था, जो भी वह अंग्रेज़ों से लूट फूट करता था, मतलब लूट लेता था उनसे सामान वगैरह, तो वह भारतीय गरीब जनता में बांट देता था। उसने 5 महीने तक यहाँ पर राज्य किया। इस दौरान उसने अंग्रेजी प्रभाव को जमने नहीं दिया। लेफ्टिनेंट सादत अली के बारे में पूछता है तो कर्नल बताता है कि यह आसफ़ुल्लाह का भाई है, सियादत अली मित्र है और बहुत ही आराम पसंद आदमी है। उसने हमें अपनी आधी जायदाद दे दी है और 10 लाख रुपए भी दे दिए हैं और अब वह भी मौज में है और हम भी। अफगानिस्तान की हमले की दावत सबसे पहले टिप्पू सुल्तान ने दी थी और फिर वजीर अली ने, और बाद में बंगाल के नाम नवाब जो थे ना बेटे शमसुद्दौला ने भी निमंत्रण भेजा। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल ने ही मरते हुए कहा कि इस लहर को रोकना बहुत ज़रूरी है। आगे है बेटा कंपनी के वकील की हत्या। कर्नल ने बताया कि वह सालों से पूरी फौज लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा है, परंतु जो वजीर अली है उनके हाथ में नहीं आ रहा है। वह जाबाज है, बहादुर है, मतलब उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली है। कंपनी ने वजीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया है और उसके लिए 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलवाया। इस पर वजीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील की शिकायत की। वकील ने वजीर अली को एक न सुनी और उसे खरी खोटी सुना दी। वजीर अली ने चाकू से बेटा खंजर से उसकी हत्या कर दी और अपने साथियों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरामा ने उसे घाघरा पहुँचा दिया और अब उसका काफिला जंगलों में भटक रहा है। भारत देश को अस्वतंत्र कराने की योजना। कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वजीर अली किसी तरह नेपाल पहुँचना चाहता है और वहाँ वह अफगानी हमले का इंतज़ार करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है ताकि सियादत अली को हटाकर अवध पर कब्जा करे, फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। वजीर अली का अंग्रेजी छावनी में आना। हाँ जी बेटा, कर्नल बताता है कि वजीर अली अभी नेपाल नहीं पहुंचा। अंग्रेज़ों और सियादत अली
खां की फौज है ना उसका पीछा कर रही है। तभी एक सिपाही आकर सूचना देता है कि दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। कर्नल जब सिपाही को सावधान होने के लिए कहता है और घुड़सवार पर आने वाले पर नज़र रखने का आदेश देता है, तभी एक घुड़सवार वहां आ जाता है। बेटा घुड़सवार कौन होता है? वज़ीर अली। वह सिपाही से आकर कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। कर्नल उसे अपने कमरे में ले जाता है तथा सवार एकांत मांगता है कि मैं अकेले में आपसे बात कर लूँगा। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कह देता है और सवार उससे पूछता है कि आपने यहाँ मतलब आप यहाँ किस लिए रुके हुए हैं, आपने यहाँ क्यों डेरा लगाया हुआ है। कर्नल बताता है कि हमने वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है। वह कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कर्नल के पूछने पर वह कि आपका नाम क्या है, तो वह बताता है कि मेरा नाम वज़ीर अली और घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। और बाद में लेफ्टिनेंट कमरे में आते हैं और लेफ्टिनेंट के पूछने पर वह कहता है कि यह कर्नल से पूछता है कि यह कौन था, तो कर्नल बताता है कि यह एक जाबाज सिपाही था। धन्यवाद बच्चों।